प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। आपको बता दें कि पीएमओ की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि देश भर में तेज गति से संपर्क जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि की इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रेरणा रही है। करीब 600 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनाया गया है और ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर डांडू गांव तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ हापुड़ बुलंदशहर के अलावा अमरोहा से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे संभल बदायूं शाहजहांपुर हरदोई उन्नाव रायबरेली के रास्ते प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया है कि एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बने जाने के बाद ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जाएगा। ये हवाई पट्टी वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता देगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। ये एक्सप्रेसवे 76 से ज्यादा होकर गुजरेगा। ऐसे में भूमि अधिग्रहण का काम तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि करीब 100% भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो आज बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने वाले हैं।